आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जी हमने फॉर्मेटिंग में आपको नॉर्मल फॉर्मेटिंग सिखा दिया, हमने नंबर की कस्टम फॉर्मेटिंग आपको बता दिया। अब हम बात कर रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। फॉर्मेटिंग का अगला स्टेप फॉर्मेटिंग विद कंडीशंस, क्योंकि नॉर्मल जब फॉर्मेटिंग आप करते हैं, जैसे आपने इसमें क्लिक करके कलर कर दिया, तो इस कलर वाले ऑप्शन को इससे कोई लेना देना नहीं है कि यहाँ D5 पे क्या टाइप है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, एक पर्टिकुलर कंडीशन पे मेरा सेल हाईलाइट हो जाए या कलर हो जाए या डिफरेंट फॉर्मेट हो जाए, तो ऐसा हम करना क्यों चाहेंगे? करना इसलिए चाहेंगे ताकि जब कोई रिपोर्ट को देखे, डेटा को देखे, तो वो उसका जो है ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाए और उसको कुछ और करने की जरूरत ना पड़े, वो देखते ही उसको समझ जाए कि हाँ ये हाईलाइट, ये हाईलाइटेड है, ये चीजें हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दिखाऊं, मैंने एक डैशबोर्ड बनाया हुआ है, मेरा डैशबोर्ड। अब इस डैशबोर्ड में क्या है, यहाँ पे ये ग्रीन जो दिख रहा है इट इज अ गुड सेल, राइट सर, और जो रेड दिख रहा है वो बैड सेल। ओके, तो ये ग्रीन, तो ये ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाए, रेड हो जाए, तो इससे हमें ही पता नहीं चलना, हमें ही नहीं देखना है कि हाँ कि आखिर क्या है। हमने देखा है कि भाई ये ग्रीन है या ब्लू है, ग्रीन तो होता है, हाँ ब्लू है, ग्रीन है, डिफरेंट कलर है, रेड कलर है, मतलब कि सेल डाउन है, अप नहीं हुआ है। तो इस ऐसी चीजों के लिए रिपोर्ट्स में दिखाने के लिए हम कंडीशन फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आपको करने के लिए आपको सबसे पहले सिलेक्शन करना पड़ेगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कई सारे कैटेगरीज हैं, जिसमें सबसे पहला कैटेगरीज है आपका हाईलाइट सेल्स रूल्स। हाईलाइट सेल्स रूल्स में आप यहाँ देख रहे हैं जैसे ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन, इक्वल टू, कई सारे कैटेगरीज हैं, मतलब कि पर्टिकुलर कंडीशंस के ऊपर में आपने सेल्स को हाईलाइट करना। तो यहाँ हम ग्रेटर दैन पे जाते हैं और यहाँ पे आप अपना जो नंबर जिसके भी आप पे हाईलाइट करना है, जैसे मुझे हाईलाइट करना है मान लीजिए ग्रेटर देन 60 से, सॉरी यहाँ पे ग्रेटर देन, और हमने यहाँ पे 60 डाल दिया। तो ये देखिए एक डिफॉल्ट कलर जो भी 60 से ऊपर था एक कलर में हाईलाइट हुआ। देखिए हाईलाइट हुआ एक डिफॉल्ट कलर से, तो इसके लिए क्या करें? यहाँ पे आपके सामने कई सारे कलर की चॉइसेस हैं, जैसे कि येलो, ग्रीन, लाइट रेड, रेड बॉर्डर। इसी में आपको नीचे कस्टम फॉर्मेट दिखेगा। कस्टम फॉर्मेट क्लिक करते ही आपके नंबर की फॉर्मेटिंग, आपकी फॉन्ट फॉर्मेटिंग, बॉर्डर फॉर्मेटिंग और फिल फॉर्मेटिंग आ जाएगी। अब इसमें जो फॉर्मेटिंग आपको चाहिए वो फॉर्मेटिंग को आप चूज कीजिए एंड ओके कीजिए, वही फॉर्मेट्स आपके साथ हाईलाइटेड हो गया। ठीक है, अभी ये ऑटोमेटेड है, जैसे ऐसा नहीं ये फॉर्मेट हो गया। नॉर्मली मान लीजिए हमने फॉर्मेट कर दिया तो वैल्यू चेंज होने से अपडेट नहीं होता है, लेकिन एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग वैल्यू चेंज होने से अपने आप को अपडेट कर लेता है। जैसे मान लीजिए इसमें 52 कर दिया तो इसकी फॉर्मेटिंग हट गई, और 22 को अगर मैंने आपने 69 कर दिया तो फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। तो यह फॉर्मेटिंग चेंज भी होती रहती है। तो आइए इसमें देखते हैं, ग्रेटर देन किसी नंबर से बड़ा, लेस देन किसी नंबर से छोटा, बिटवीन टू नंबर्स के बीच की वैल्यू को हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है सर। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, ये आपका बिटवीन लेस देन एंड इसमें ग्रेटर देन लेस देन बिटवीन में आप नंबर डेट एंड टाइम डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डेट से बड़ा आपको हाईलाइट करना है, तो यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ग्रेटर देन कोई डेट यहाँ डाल दीजिए जिसके बड़ा आप डालना हाईलाइट करना चाहते हैं। जैसे मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप डेट डालते हैं, मान लीजिए मैं 5th जैन करना चाहता हूँ,
अब इसमें क्या है कि अगर 2020 का डेट होगा वो हाईलाइट हो जाएगा, ये डालने की जरूरत नहीं, पर लेटेस्ट वर्जन है तो उसको हाईलाइट करना पड़ सकता है। यहाँ पे जैसे कि 19 कर दिया ओल्डेस्ट डेट के लिए तो हाईलाइट हो गया। तो इसमें डेट एंड टाइम एंड टेक्स्ट तीन चीज डाल सकते हैं, कोई टेक्स्ट नहीं डाल सकते। लेकिन इक्वल टू होता है एग्जैक्ट सेल वैल्यू। जैसे मान लीजिए मुझे 241 को हाईलाइट करना है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इक्वल टू मैं यहाँ पे 241 करूंगा तो हाईलाइट हो जाएगा। इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, अगर टेक्स्ट है तो मैं यहाँ इक्वल टू में टेक्स्ट जैसे कि हम करें HD डाल दिया, ये HD को हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है जी। उसी तरह से डेट है, एक पर्टिकुलर डेट हाईलाइट करना चाहते हो तो इक्वल टू में उस पर्टिकुलर डेट को भी दे सकते हो, डेट भी आपका हाईलाइट हो जाएगा, बट वो क्या होगा एग्जैक्ट होगा। अगर जैसे मान लीजिए कि मेरे सिटी में दिल्ली है और यहाँ पे न्यू दिल्ली है, अब मैं इक्वल टू में जानता हूं यहाँ पे इक्वल टू में अगर हमने दिल्ली कर दिया तो दिल्ली हाईलाइट होगा बट न्यू दिल्ली हाईलाइट नहीं होगा। यस सर। देखिए मुझे ऐसा करना है कि दिल्ली भी हाईलाइट हो जाए और न्यू दिल्ली भी हाईलाइट हो जाए, इसके लिए क्या करना है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहां पे आएंगे टेक्स्ट दैट कंटेन, टेक्स्ट दैट कंटेन में आएंगे और यहां पे हम दिल्ली डाल देंगे तो दिल्ली को भी हाईलाइट कर देगा और न्यू दिल्ली को भी हाईलाइट कर देगा, दोनों का हाईलाइट कर, ठीक है? ठीक है। तो टेक्स्ट दैट कंटेंट के बाद बात आता है डेट ऑकरिंग का। जैसे हम कॉलन में देखें तो हमारे पास हमने बोला कि ग्रेटर देन लेस देन बिटवीन में हम कोई डेट डाल सकते हैं, लेकिन वो डेट जो होगा वो एग्जैक्ट होगा, वो फिक्स होगा। जैसे मैं इसमें करता हूं आज फरवरी है, 2 फरवरी का डेट डालता हूं इसमें मुझे। अगर मान लीजिए मैं चाहता हूं कि सिस्टम डेट हाईलाइटेड हो तो इक्वल टू में मैं रख दे देता हूं 9 फरवरी, हाईलाइट हो गया। लेकिन 9 फरवरी तो हमेशा हाईलाइट होगा ना, तो मुझे ऐसा चाहिए जो सिस्टम डेट के साथ चेंज होता रहे, तो उसके लिए हम यहां पे डेट ऑगरिंग करेंगे। अब डेट ऑगरिंग में सिस्टम डेट से कनेक्टेड है, जैसे मान लीजिए कि मैंने टुडे कर दिया तो ये 9 फॉर्मली हाईलाइटेड है, लेकिन कल मैं इसको ओपन करूंगा तो ये आपका 9 फॉर्मली हाईलाइटेड नहीं होगा। ये आपका 10 फरवरी हाईलाइटेड होगा, क्यों? क्योंकि सिस्टम डेट आपका चेंज हो जाएगा। उसी तरह से इसमें आपका एस्टरडे कल की डेट हाईलाइट कर देगी, टुमारो नेक्स्ट आने वाली कल, आपका लास्ट 7 डेज, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ, ये आप हाईलाइट कर सकते हो और ये आपके सिस्टम डेट से कनेक्टेड होगा। इसका यूज क्या है वैसे? जैसे कि
आप मान लीजिए कि वीकली जैसे कि आपका जो है आप एक रिपोर्ट भेजते हो, उस रिपोर्ट में वीकली एनालिसिस होता है आपका, तो जो करेंट वीक है वो उसको हाईलाइट करना चाहेंगे, तो करेंट वीक का डेटा आपका हाईलाइटेड रहेगा। तो आपको इस वीक का डेट ढूंढने में परेशानी नहीं ना होगी सर क्या? ओके या फिर मान लीजिए कि अब मान लीजिए कि अगर आपने ऐसे कर दिया, अगर तो थोड़ी सॉर्टेड नहीं है, अगर मान लीजिए मैं इसको सेल्स मोड के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर देता हूँ, यहाँ से शॉर्ट कर देता हूँ, अब मुझे ये पता करना है कि इस वीक के डेटा कौन से हैं, तो मुझे दिक्कत होगी ढूंढने में, मैनुअल देखेंगे तो एक एक देखना पड़ेगा, तो मैनुअल मैचिंग करने में हमें सहूलियत होगी क्या सर? क्योंकि आपका अंदाजा तो नहीं ना होगा कि इस वीक कब से कब तक है, आपको पहले एक नोट करके रखना पड़ेगा कि हाँ 8 से 10 है वीक क्या। दूसरा, इसको आप इजीली फिल्टर कर सकते हैं, यहाँ पे कलर हो गया तो आपके पास फिल्टर बाय कलर होता है, यहाँ फिल्टर बाय कलर फिल्टर कर लीजिए, यहाँ पे इकट्ठा आ जाएगा, समझे? ऐसे इस ऐसे पीरियड मतलब कि ये दूसरी चीज है कि आपको बार बार इसको मैनुअली आप बिटवीन से भी कर सकते हो, या बिटवीन से भी आप कर सकते हैं, पर वो फिक्स हो जाएगा ना, हर बार आपको चेंज करना पड़ेगा, बट ये आपका एक पीरियड जो है आपका वो आपके सिस्टम डेट से कनेक्टेड होगा, समझ गया मैं। ठीक है ना? चलिए, अगर बहुत सारा डेटा है और मुझे सिर्फ करंट वीक का चेक करना है तो हाँ, करेंट वीक हो गया, या कल की डेट हो गया, नेक्स्ट की डेट हो गई, या लास्ट वीक हो गया, नेक्स्ट वीक हो गया, दिस मंथ हो गया, लास्ट मंथ हो गया, इस तरह से, ठीक समझ गया। है? चलिए, अब इसमें अगली वैल्यू आती है, वो आती है डुप्लीकेट वैल्यू, मतलब कि एक इसमें आपका एक पर्टिकुलर कॉलम में कोई वैल्यू या पर्टिकुलर सिलेक्टेड एरिया में कोई वैल्यू अगर मोर देन 1 टाइम है तो उसको हाईलाइट कर देगा, ठीक है? जो जो डुप्लीकेट होगा, एक बार मैं इसको हाईलाइट करता हूं, तो जो जो माने कि आपका डुप्लीकेट से रिपीटेड है वो आ जाएगा, या फिर मैं एक समझ लो, एक मैं नया सीट लेता हूँ और मैं इसमें देता हूँ अपना मोबाइल नंबर, मैं चाहता हूँ कि अगर इसमें कोई मोबाइल नंबर रिपीटेड हो तो वो हाईलाइट हो जाए, तो मैं यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू को रख दूंगा एंड ओके। यहाँ पे अब अगर मैंने एक नंबर लिखा तो हाईलाइटेड है, अगर इसी नंबर को इस कॉलम में कहीं लिखूंगा तो दोनों नंबर हाईलाइटेड हो जाएगा। ठीक अब आगे चलते हैं इसमें, तो हमने अपनी इस कैटेगरी में आपको ग्रेटर देन लेस देन बिटवीन इक्वल टू टेक दैट फॉर्मूला टेक्स्ट दैट कंटेन डेट ऑकरिंग एंड डेटा वैल्यू, ये आपने देख लिया, ओके? यस सर। अब इसमें अगला आप कैटेगरी आता है टॉप बॉटम। अब मान लीजिए कि आपकी पर्टिकुलर डेटा पे मुझे टॉप 5 हाईलाइटेड करने हैं, एक काम करता हूँ इस डेटा को थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ, छोटे डेटा में आपको इफेक्ट जल्दी समझ में आएगा। सर एक बार कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना, मैं बता देता हूँ आपको उसमें मुझे क्या क्या आता है। टॉप टॉप बॉटम रूल्स में जाना, ये टॉप ये पहला आता, दूसरा आता, तीसरे ये सारी आती है मुझे। मोर रूल्स बता दो आप। ओके, मोर रूल्स सब में सेम है, वो मैं मोर रूल्स बताता हूँ। डेटा बार आपको आता है, देखिए नहीं डेटा बार क्या होता है, जैसे कि अब डेटा हमारी है और मुझे डेटा बड़ा है, अब इतने बड़े डेटा पे हम चार्ट तो नहीं लगा सकते ना सर,
लेकिन मुझे पता करना है कि जैसे मुझे पता करना है कि 53 क्या है, इसका पोजीशन क्या है इस पूरे कॉलम में, मतलब कि इंदर ने 53 सेल की है तो क्या ये टॉप सेलर है या एवरेज है या बिलो है, बात समझे? क्योंकि मुझे इसका बेंचमार्क नहीं पता है कि भाई एक होता है कि आपका टारगेट है कि भाई आपको 50 शेयर करने हैं, 53 मतलब कि हाँ इसने अपना टारगेट टारगेट अचीव कर लिया, बट कोई बेंचमार्क नहीं है, तो उस केस में आपको दिक्कत हो जाएगी ना सर। तो उस केस में हमारे पास एनालाइज करने के लिए, क्योंकि इतने बड़े डेटा पर चार्ट नहीं बना सकते, डेटा बार होता है, तो ये क्या करता है कि बार क्रिएट कर देता है इसके पोजीशन के हिसाब से, जैसे कि 82 हाईएस्ट में, 77 हाईएस्ट से थोड़ा सा कम है, 53 मिडल है, 48 बिलो में है, समझे? अब इसको अलग दिखाता हूं मैं, मान लीजिए कि 9, अब इस तरह से हमने नंबर लिखा हुआ है, तो ये आपका डेटा बार जो है, देखिए जैसे जैसे नंबर हमारा बढ़ रहा है बार बढ़ा रहा है, तो एक तरह से डिजिटल आपको दे देता है, ठीक है? समझ गया। से हमारे पास डेटा बार सारे एक ही जैसे हैं, पर कलर कलर डिफरेंट डिफरेंट है, और सेम काम आपका कलर स्केल भी करता है, लेकिन वो कलर मैपिंग करता है। इसने बता दिया आपका कलर दे दिया कि रेड टू ग्रीन, तो जितना रेड आपको दिख रहा है मतलब कि जैसा सबसे लोअर रेड है, और जैसे जैसे वैल्यू आगे इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे ग्रीन की तरफ बढ़ रहा है, मतलब जो जितना ग्रीन लग दिख रहा है वो उतना ही बड़ा है। इसको देखिए, लेकिन इसका कम यूज करते हैं ना, डेटा बार का तो यूज हम लोग करते हैं अपने डैशबोर्ड वगैरह में, पर इसका बहुत कम यूज करते हैं। अब आपको क्लियरली समझाना है तो आइकन है कि लोअर मिडल अपर, एकदम क्लियर, ठीक है? या फिर लोअर अपर लोअर मिडल अपर लोअर एंड लोअर लोअर आपका मिडल अपर एंड अपर, चार कैटेगरी में बांट देगा, ये आपका पांच कैटेगरी में बांट देगा, तो ऐसे आइकन उसके हिसाब से ये शो कर देगा, ठीक है? तो इस डेटा को तीन हिस्सों में बांट देगा और उसके हिसाब से रेटिंग कर देगा, ओके? ठीक देखिए डेटा पर अब एक चीज और भी है, हम इसको कंपेयरिंग के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि अब मान लीजिए कोई रिपोर्ट में आपके पास यहाँ पे Q1 है Q2 है, कंपेयरिंग रिपोर्ट होती है ना, कि हमें कंपेयर करना है आज की सेल और पिछले, आज से आज मान लीजिए संडे है तो संडे की सेल और पिछले संडे की सेल और पिछले महीने की संडे की सेम डेट की सेल होती है, पिछले साल की सेल, कई सारे सेल्स को हम आपस में कंपेयर करते हैं, तो उस केस में हम लोग इसका यूज करते हैं। मान लीजिए Q1 और Q2 है आपका, तो दोनों में कंपेयर करने के लिए आप इसका आइकन यूज कर सकते हैं, जो बहुत क्लियरली इसको बता देगा कि हाँ ये अपर है और ये लोअर है, ओके? तो ठीक है सर। अभी हमने सीखा हाइलाइट्स, टॉप बॉटम, डेटा बार्स, कलर स्केल्स, आइकन, तो लेकिन ये जो बाहर आपको दी गई चीजें हैं ये आपका मोस्ट यूजेस कमांड, ये आपका कंप्लीट नहीं है, ठीक है? ये आपका कंप्लीट नहीं है, ये आपका मोस्ट यूजेज कमांड है, तो अब बात यहां पे आती है कि क्या क्या कमांड छूटा होगा। अब देखिए हाईलाइट में देख लीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, नॉट बिटवीन नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, तो बहुत सारे नहीं है, तो ये सारे चीज आपको न्यू रूल्स में या मोर रूल्स में मिलेंगे, जैसे आप मोर रूल्स से न्यू रूल्स खोलेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा विंडो, इसमें आप ये तो आपका इसका आइकन्स वगैरह का है कि थ्री कलर्स के डेटा बार आइकन सेट वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे फॉर्मेट ओनली सेल कंटेन, जिसमें आपके सामने दिख रहा है बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू, ओके?
इसको अप्लाई कैसे करना है। जैसे मान लीजिए मैं ग्रेटर देन इक्वल टू लेता हूँ और यहाँ पे अपनी कमांड देता हूँ और फॉर्मेट सेल में जाता हूँ और अपनी कलर दे देता हूँ और इसको आप अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे डेटा में वापस आता हूँ मैं, तो इसमें और चीज़ें भी हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ मूल रूल्स में आता हूँ, तो अभी हमने आपको फॉर्मेट सेल में यहाँ कंट सेल वैल्यू के बारे में बताया था जिसको देखा आपने। फिर सेल वैल्यू को देख लीजिएगा, तो यहाँ पे इसमें टेक्स्ट है, टेक्स्ट में जैसे हमने टेक्स्ट दैट कंटेनिंग पढ़ा था, तो कंटेनिंग यही है। इसमें आता है नॉट कंटेनिंग, मतलब कि जो वर्ड आया है वो वर्ड नहीं एग्जिस्ट करता, या फिर बिगेन विद, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि जो सिटी जो है आपका इससे बी से स्टार है, बी से स्टार्ट है, वो हाईलाइटेड हो जाए। तो मैंने यहाँ पे बी लिख दिया एंड यहाँ पे फॉर्मेट में जाके हमने यहाँ से कर दिया एंड हाईलाइट हो गया। तो ये आपका न्यू रूल्स में आपका कंटेनिंग का ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद डेट ऑगरिंग जो बाहर था वही है, कोई चेंज नहीं, ब्लैंक को हाईलाइट कर देगा, नॉट ब्लैंक को हाईलाइट करेगा। एरर, एरर का एक यूज हम लोग करते थे, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ डेटा मान लीजिए हमारा है, उसमें से कुछ एरर है, कुछ डेटा है और कुछ एरर है, तो मैं चाहता हूँ कि एरर ना दिखे। हालांकि इफ एरर और ईच एरर कैसे जैसे फॉर्मूले से इसका हो जाता है, एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बट मुझे प्रिंटिंग पर्पज से इसको हटाना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और जाऊँगा सेलेक्ट यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ आऊँगा न्यू रूल्स, यूज फॉर्मूला, नहीं यूज फॉर्मूला यहाँ पे फॉर्मेट कंटेंट, यहाँ पे एरर। एरर में क्या करूँगा कि मैंने देखा कि इसकी बैकग्राउंड वाइट है, तो मैं सिंपल इसका फॉन्ट जो है वो वाइट कर दूंगा। बैकग्राउंड वाइट है तो सिंपल हम फॉन्ट को वाइट कर देंगे, राइट? चेंज हो गया। ये आपकी हाईलाइट हो गई, क्लियर है? लेकिन इसके अलावा बहुत, इसके अलावा और देखेंगे न्यू रूल्स में, तो बाकी वही है जो कि हमने बाहर यूज किया है, आपका टॉप बॉटम हो गया, ये आपका ये हो जाता है, वो बिलो हो जाता है एवरेज, ये आपका यूनिक डुप्लीकेट है, ये आपका फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला बात आती है, जैसे कि अब कुछ ऐसी कंडीशन जो कि आपके डेटा में है ही नहीं, मतलब कि इसमें है ही नहीं, उस कंडीशन को हाईलाइट कर सकते हो। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि यहाँ इसका टोटल का 10% अगर 10,000 से ऊपर है तो पूरे रो को हाईलाइट कर दे, ऐसे कैलकुलेटिव। तो मैं यहाँ न्यू रूल्स पे आऊंगा और यूज फॉर्मूला, और यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, इसका तो सबसे पहले 10% निकालूंगा और फिर मैं डॉलर साइन हटा देता हूं, फॉर्मेट सेल में गया, फिल में गया और यहां पे हम कलर दे देते हैं, जो भी कलर देना हो कलर दे देते हैं एंड ओके, और फॉर्मेट पेंटर से इसको हम पेंट कर देते हैं। अब यहां पे गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ क्या है, हमने यहाँ पे कंडीशन तो लगाई नहीं ना सर, तो मैं यहाँ पे बोला कि ग्रेटर देन 10,000, अब कंडीशन लगा के जैसे ओके करोगे सारा अपडेट हो जाएगा। तो इसमें है कि आपने फॉर्मेटिंग कहीं और लगाई है और कंडीशन कहीं और लगाई है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई फॉर्मूला इस्तेमाल करें तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते समय आप जो है सिर्फ सिंगल सेल को सिलेक्ट करें, मल्टीपल सेल्स को नहीं। अब इसमें एक चीज और बढ़ते हैं, जैसे हमने हाईलाइट आपको जो है ये बताया था, अब इसमें कुछ और तरीकी चीज हम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अकाउंट नंबर है और मैं चाहता हूं कि इसमें कोई टैक्स ना लिख सके, अकाउंट नंबर को टैक्स लिखे तो ये बता दे कि भाई गड़बड़ है, हाईलाइट कर दे। तो पहले मुझे इस चीज को जानना होगा कि
टेक्स्ट जो, अगर टेक्स्ट है ये आइडेंटिफाई कैसे होगा कि टेक्स्ट कौन सा है और नंबर कौन सा है? तो इसके लिए क्या करेंगे, यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे इसका इज टेक्स्ट का। अगर इसमें सिलेक्टेड सेल टेक्स्ट हुआ तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा, और आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग ट्रू एंड फॉल्स पे जाता है। इसी फॉर्मूले को हम यूज फॉर्मूला में जाते हैं और यहाँ पे इज टेक्स्ट और हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ड्रैग करने से पहले ध्यान रखिएगा कि रो का डॉलर साइन हट जाना चाहिए, वरना रो जो है 2, 3, 4 नहीं बनेगा, एक A2 की भी आप ही सरा हो जाएगा सर। इसको रेड कर देते हैं। ओके, अब मैं यहां पे जैसे कोई इसको फॉर्मेट पेंटर से नीचे की तरफ पेंट कर देता हूं। अब जैसे कोई टेक्स्ट लिखूंगा तो रेड हो जाएगा, नंबर पे रेड नहीं होगा। अब कोई अनदर एग्जांपल में सर क्या बोलना, इसका पर्पस क्या है वैसे? पर्पस ये हुआ जैसे कि होता क्या है कि एमआरपी वगैरह होता है, जैसे कभी कभी ऐसे डेटा एंट्री आप करेंगे एमआरपी वगैरह है जिसपे मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगी होती है, तो उस पे कुछ लोग जो है उसको सिंगल फॉर्मेट में टेक्स्ट फॉर्मेट में या फिर कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं, कमेंट लिख देते हैं, जैसे कोई लिख देते हैं MRP 2500। अब इस पे कैलकुलेशन तो नहीं ना होगी सर क्या? तो हमें इंटीमेट कर दे कलर करके कि हाँ यहाँ पे कुछ गलत लिखा हुआ है। तो कहने मतलब है कि ये तो जस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, मतलब कि आप इस तरह से लगा सकते हैं कि टाइप करते कंडीशंस लगा सकते हैं कि टाइप करते आपको इन्फॉर्म कर दे कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर ये समझिए ना, चलिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने आपको पढ़ाया था। अब यहां पे क्या है कि बहुत सारे जगह पे आपका कस्टम फॉर्मेटिंग लगा हुआ है। अब इन दोनों में फर्क हो रहा है कि कौन सा कस्टम फॉर्मेटिंग से लिखा हुआ है, कौन सा टेक्स्ट लिखा हुआ है सर? अब इस पे कैलकुलेशन हो जाएगी, इस पे कैलकुलेशन नहीं होगी। हेलो जी, समझ रहे हैं आप? यस सर, समझ रहा हूँ। तो ऐसे चीज को हम अब इसको दे, तो ये तो मान लीजिए 2 सेल है, लेकिन ऐसे आपके पास अगर 1000 सेल हो जाएंगे तो कितना क्या हो जाएगी प्रॉब्लम, आपको ये पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि कौन यस सर, सा टेक्स्ट है, कौन सा फॉर्मूला है, सॉरी टेक्स्ट है, कौन सा नंबर है। तो उस केस में आप कंडीशनल एक सेल को सिलेक्ट कीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के न्यू रूल्स पे जाइए और यहां पे आप इज टेक्स्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए। जो कस्टम फॉर्मेटिंग से होगा वो आपका हाईलाइट नहीं होगा, और जो कस्टम फॉर्मेटिंग से नहीं होगा नॉर्मल टाइपिंग होगा वो आपका हाईलाइट हो जाएगा, समझे? यस सर। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा एक चीज और है, जैसे मान लीजिए कि एक बहुत सारा डेटा है आपका, अब यहां पे देखिए कि हर चीज के लिए फंक्शंस लगाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट सेल रेफरेंस भी दे सकते हैं, एग्जांपल का ये मोटिव है। अच्छा मान लीजिए कि मैं यहाँ पे सर्च कमांड देता हूँ और जैसे मैं 10 मान लीजिए कोई नंबर यहाँ पे लिखूँ, तो ये नंबर कहाँ कहाँ है वो मुझे पता चल जाए। इसके लिए कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, हम इसी सेल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ हम इक्वल टू में अगर देते हैं 50 तो ये 50 को हाईलाइट कर देता है, लेकिन मुझे 50 यहाँ पे नहीं लिखना है, जो सेल B2 पे है उसको हाईलाइट करना है। तो B2 को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं एंड इसको ओके कर देते हैं। अब यहां पे जो लिखूंगा वो हाईलाइट हो जाएगा जहां जहां भी होगा, ठीक है सर। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें। अब जैसे कि अभी आपको हमने बताया था कि हम यहां पे डुप्लीकेट वैल्यू हमने बताया था यहां पे आपको सेल कहीं पे,
बढ़िया। चलिए अभी आपने बताया था डुप्लीकेट के बारे में कि जैसे कि मैं यहाँ पे कोई नंबर लिखता हूँ तो वो हमारा हाईलाइट हो जाता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है, ये जो डुप्लीकेट हाईलाइट करता है पूरा हाईलाइट कर देता है। तो हमें इसमें पहला हाईलाइट नहीं करना है क्योंकि पहले को रखना है, मान लीजिए कि एक को छोड़ के बाकी को डिलीट करना है तो इसको करना मुश्किल हो जाएगी ना सर, क्योंकि अगर हम फिल्टर लगाएंगे सब हाईलाइट कर देगा, इसको मैनुअल करना पड़ जाएगा अगर एक बड़े डेटा पे करें तो। यस तो हम चाहते हैं कि नहीं, पहले को छोड़, जिसका पोजीशन सबसे पहला है उसको छोड़ के बाकी सबको हाईलाइट कर दे, ओके। तो यहां पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है काउंट इफ का, काउंट इफ। अब यहां पे हम पूरे कॉलम को सेलेक्ट करके और इसको काउंट करते हैं तो यहां पे 4 आएगा, यहां भी आपको 4 ही आएगा और यहां भी आपको 4 ही आएगा। हमें कुछ ऐसा करना है कि इसका काउंट दे 1, इसका काउंट दे 2, इसका काउंट दे 3, इसका काउंट दे 4, समझे। हमें पोजीशन देना है कि पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर। तो मैनुअल ना करेंगे, इसके लिए हम लगाएंगे काउंट इफ का ही फॉर्मूला, लेकिन थोड़ा सा इसमें त्रिक्स इसको चेंज कर देंगे। हम A2 से A2, यहाँ पे A2 से A2 कर देते हैं और कॉमा A2 कर देते हैं, इन्हें एड्रेस सेम रखते हैं और पहले वाले A2 को हम यहाँ पे फ्रीज कर देते हैं और फिर इसको नीचे की तरफ हम ड्रैग करेंगे। अब देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि हमने जो एड्रेस लगाया वो सेम लगाया, पहले को फ्रीज किया बाकी को फ्रीज नहीं किया, मतलब कि स्टार्टिंग फिक्स है एंडिंग चेंज होते रह रहा है। जब यहाँ पे आया तो ये देखिए A2 से A3 और यहाँ पे हुआ ये हुआ A2 से A9, मतलब कि जहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है वो अपने से ऊपर की वैल्यू को ही काउंट कर रहा है, नीचे को काउंट नहीं कर रहा है, जिस कारण से सीक्वेंस की तरह आपके पास आएगा। अब इसी मेथड को हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यूज करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज फॉर्मूला और जस्ट यहाँ पे दे देते हैं और यहाँ पे देते हैं कि दैट इज ग्रेटर देन 1, एक तो रखना ही है, एक से ज्यादा उसको हाईलाइट कर दे और फिर इसको फॉर्मेट प्रिंटर से जहां तक डेटा है वहां तक प्रिंट कर दीजिए। तो जो नंबर ऐसे मान लीजिए 1 लिखा तो एक बार हाईलाइट होगा, 2 लिखा भी एक बार होगा, और वापस 1 दूंगा तो सिर्फ ए हाईलाइट होगा, ऊपर वाला 1 हाईलाइट नहीं होगा। क्लियर सर? ठीक है सर, डाउट इसमें? इसमें बारी आती है मल्टीपल कंडीशंस की। अब जैसे मान लीजिए कि यहां पे हमारे पास डेट डाला हुआ है, ओके। अब मुझे इसमें से सिर्फ सैटरडे संडे वाले डेट को हाईलाइट करना है जो छुट्टी का दिन है। तो इसमें सैटरडे और संडे कैसे पता चलेगा? उसके लिए हम टेक्स्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हमारे पास एक फॉर्मूला है वीक डे कॉमा 2, मतलब मंडे से वीक स्टार्ट है इसलिए हो रहा है। तो हमारे यहाँ पे 7वां, तो यहाँ पे दो चीजें, अगर मैं इस वीक डे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलूं तो मैं यहाँ पे 6ठा और 7वां को हाईलाइट करना है। ऐसा रखता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल्स, यूज फॉर्मूला और इस पे पेस्ट करता हूँ। A3 की जगह पे A2 कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि A जो है ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। तो इसमें मल्टीपल कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि नंबर में है, तो ग्रेटर देन हमने लगा दिया और फिर इसको लेके हाईलाइट कर दिया तो सैटरडे संडे के डेट हाईलाइट हो गया। लेकिन मुझे टेक्स्ट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलना है, संडे मंडे के अकॉर्डिंग, तो उस केस में हमें फिर यहां पे मल्टीपल कंडीशन लगानी होगी। यहां टेक्स्ट फॉर्मूला ले लेता हूं मैं, यहां पे न्यू रूल्स, यूज फॉर्मूला और यहां पे टेक्स्ट। अब इक्वल टू अगर मैंने सैटरडे कर दिया तो मुझे एक और कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाने पड़ेगी संडे की। जी हाँ, एक सेल पे आप एक से ज्यादा कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा सकते हो, लेकिन क्यों मेरे पास दो कंडीशन है तो यहाँ पे मैं और यूज कर लेता हूँ क्योंकि दो कंडीशन, लेकिन दोनों रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि यहाँ पे संडे हो सकता है या सैटरडे हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता।
इक्वल टू सब्ट्रैक्ट। सर वैसे ये वाला समझ में नहीं आया। दो कंडीशंस आपको देनी है, मतलब कि आप एक सेल पे दो कंडीशन को मैच करना है। तो एक तो है कि एक तो मैं यहाँ की बजाय वो ऊपर फॉर्मूला बार से क्यों नहीं लगा सकता? क्या फॉर्मूला बार से क्या लगा सकते, मतलब यहाँ से आपको जैसे आपने हाईलाइट, पहले आपको लगाया। हाईलाइट करना है ना। फॉर्मूला बार में हाईलाइट थोड़ी होगा, तो फॉर्मूला का रिजल्ट याद देगा। यहाँ तो मैं फॉर्मूला समझाने के लिए आपको फॉर्मूला लगाया है ना। हमें तो सैटरडे संडे की डेट हाईलाइट करनी है, तो हमें फॉर्मूला कंडीशनल फॉर्मेटिंग में लगाना होगा ना, समझ गए। अब यहाँ पे मेरे पास दो कंडीशन है, सैटरडे और संडे दो कंडीशन है। तो यहाँ पे दो कंडीशन है क्योंकि ये इसको फाइनली चाहिए ट्रू एंड फॉल्स। तो और फॉर्मूला क्या करेगा कि अगर पहले फॉर्मूला भी ट्रू आया और सैटरडे सैटरडे आया, दूसरा फॉर्मूला सैटरडे आया, तो आपका ट्रू दे देगा कोई भी कुछ दोनों से किसी एक को। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो हम एक काम और कर सकते हैं कि हम एक बार ये दो फॉर्मूला ना लगा के मैं एक एक फॉर्मूला लगा लेता हूँ। पहले तो सैटरडे एंड हम इसको करते हैं इक्वल। एक मिनट, इसमें 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 अच्छा हाँ ब्रैकेट लगा हुआ फालतू, ओके कर देता हूँ। फिर वापस इसमें आता हूँ और फिर न्यू रूल्स में यूज फॉर्मूला, और यहाँ पे हम दूसरा फॉर्मूला लगा देते हैं और यहाँ पे इक्वल टू संडे कर देते हैं। दो अलग अलग फॉर्मूला दो बार लगा दीजिए। अब प्रॉब्लम ये है कि अभी आपको फॉर्मूले नहीं सिखाया, फॉर्मूले की नॉलेज अभी आपको कम है, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग को मैं दो दो पार्ट में पढ़ाता हूँ, सुनिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हमेशा मैं दो पार्ट में पढ़ाता हूँ। अभी पहला पार्ट आपको मैंने समझा दिया, बेसिक चीजें थोड़ा सा इंटरमीडिएट, और फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करना है वो भी हमने आपको समझा दिया। तो आपको जितना फॉर्मूला आता है उसके बिहाफ पे आप इसको यूज कर सकते हो। फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग की एक और क्लास लूंगा कुछ दिनों बाद, जब मैं आपको कंडीशनल फॉर्मूले को सिखा दूंगा, क्योंकि मुझे पहले आपको फॉर्मूला समझाना पड़ रहा है ना। और आपकी जब फॉर्मूले का क्लास चलेगी तो सारे फॉर्मूले सीख जाएंगे, तो उस समय आपको बेटर होगा। क्योंकि अभी जैसे मैंने और का फॉर्मूला लगाया तो पहले आपको पता नहीं कि और का फॉर्मूला कहाँ यूज होता है, किस कंडीशन में यूज होता है, उसकी इन्वायरमेंट क्या, किस इन्वायरमेंट में यूज होता है। यस सर। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो हमारी एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो हम डिस्कस करेंगे। और एक काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूं, आपने तो आज की सुबह की क्लास ज्वाइन नहीं किया था, ज्वाइन करते तो देखते कंडीशनल फॉर्मेटिंग से मैंने क्या किया था। सर आपने सुबह वाली क्लास कितने बजे स्टार्ट की थी? 8 बजे जूम से मैं ले साढ़े रही सात बजे से थी। नहीं नहीं जूम से हुई थी, गोटू मीटिंग हुई थी, वो आपको लिंक लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने वो क्योंकि सैटरडे जो क्लास, मतलब कि हम सुबह वाले क्लासेस में क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो गल्फ कंट्रीज से है, और गल्फ कंट्री में जूम जो है बैन है सर, तो मुझे गो टू मीटिंग यूज करनी पड़ती है। अब जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, अब मैं यहाँ पे अगर मान लीजिए पूजा को सेलेक्ट करता हूँ तो पूजा का डेटा आ रहा है सर। और आप देखिए कि आपका ये जो ए लगा हुआ है, बॉर्डर लगा हुआ है, वो उतना तक ही होता है जितना डेटा है सर। अगर अभी क्या 18 तक है। अब चलिए मैं दूसरा नाम सेलेक्ट करता हूँ, मैं T2 सेलेक्ट करता हूँ, T2 कम गया, तो देखिए यहाँ से बॉर्डर हट गया। तो ये किससे हुआ है, तो एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हुआ है, समझे। और ये अगर आप एक और चीज देखें, आप न्यू पे चले जाएं, और जैसे ये देखो ग्रांड चार्ट दिख रहा है आपको सर, ये भी आपको ये बार दिख रहा है, कोई चार्ट का बार नहीं है सर, ये भी आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग, समझे। अच्छा ये भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देखिए सामने दिख रहा है आपको। अच्छा लेकिन ये सारा फॉर्मूला बेस्ड है। हाँ तभी तो आपने बताया कि जो एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग है हम आपको फॉर्मूला के बाद पढ़ाएंगे। ठीक है सर। ठीक है, तो आज की रिकॉर्डिंग हुई है, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
अगली क्लास में हम बात करेंगे प्रोटेक्शंस और सॉर्टिंग फिल्टर होम मेनू बार के बाकी टॉपिक के लिए।